गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज वीडियो इज़ अबाउट क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। इन द प्रीवियस टू वीडियोस वी डिस्कस्ड अबाउट द चैप्टर इन द फॉर्म ऑफ इंट्रोडक्शन विद द अपडेटेड सिलेबस। इन दिस वीडियो वील अंडरस्टैंड द ओवरव्यू एंड What was the Soviet system? In this chapter, we will do topic 1, disintegration of the Soviet Union. Topic 2, unipolar world. Topic 3, Middle East crisis, especially with Afghanistan and Gulf War, democratic politics. Fourth topic, democratization of CIS and the 21st century with Arab Spring as a major topic. In chapter 2, end of the bipolarity. Bipolarity means it was a system of world order in which the majority of global economic, military and cultural influence is held between the two alliances. Which means to say, हम लोगों ने बेटा first जब chapter किया था, तो हमने bipolarity word introduce आपके सामने तब किया था. And उस चैप्टर में हमें ये पता चला दैट बाइपोलैरिटी एक ऐसा टाइम पीरियड है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमारे सामने आया, जिसमें इकोनॉमिकल, मिलिट्रिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल इन्फ्लुएंस के बेसिस पर पूरा जो वर्ल्ड सिस्टम है मेजॉरिटी में दो अलायंसेस में डिवाइड हो गया। वेयर द फर्स्ट अलायंस वॉज द USSR विच वॉज ऑल्सो नोन एज द सोवियत यूनियन एंड द सेकेंड वर्ल्ड USA विच वॉज द फर्स्ट वर्ल्ड। क्लास आप ये चीज़ याद रखेंगे दैट कि USSR के लिए सेकेंड चैप्टर में सोवियत यूनियन और सेकेंड वर्ल्ड जैसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स को यूज़ किया गया है। ओवरव्यू जब हम देखते हैं चैप्टर का, तो आपको याद होगा कि जब हम लोग एरेना वाला टॉपिक किया था फर्स्ट चैप्टर में, वहाँ पर हमने एक बर्लिन वॉर की बात की थी। यहाँ पर बर्लिन वॉल की बात की जा रही है, WALL, ठीक है। तब हमने वॉर की बात की थी WAR, और हमने ये देखा था कि जब बर्लिन वॉर हुआ तो बर्लिन वॉर के ख़त्म होने से पहले जर्मनी की कैपिटल बर्लिन में ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन के बीच में एक वॉल बना दी गई, और वो वॉल जो है ना कि सिर्फ जर्मनी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही थी, वही वॉल ईस्ट यूरोप और वेस्टर्न यूरोप का भी डिवीजन कर रही थी। बिल्ट ड्यूरिंग दी बर्लिन वॉर 1958 से लेके 62 तक जो है आपका बर्लिन वॉर चला, और 61 के अंदर यानी कि बर्लिन वॉर के ख़त्म होने के लगभग एक साल पहले बर्लिन वॉल को बनाया गया, और वो वॉल बिल्ट की गई 1961 में एंड टोपल्ड बाय दी बर्लिन पॉपुलेशन, और बर्लिन के जो लोग थे उन्होंने 1989 में उसे गिरा दिया। अब ये चीज़ आप याद रखेंगे बेटा कि यूरोप जो है वो एक मेन सेंटर रहा है कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर। ईस्ट और वेस्टर्न अलायंसेस टर्म्स आपको याद होंगे जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं पहले भी कई बार, और दोनों ही जो टर्म्स हैं वो अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बार हम उसे देखते हैं डिटेल में कैसे। हम लोग कह रहे हैं कि जर्मनी के बर्लिन वाला जो एरिया है वहाँ पर एक वॉल बना दी गई है जो कि ईस्ट पार्ट और उसके वेस्ट पार्ट को डिवाइड करती है। जर्मनी जो है उस टाइम पीरियड पर एक ऐसा नेशन रहा जिसने यूरोप का डिवीजन करने में भी हेल्प की, और इसी वॉल की हेल्प से ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी को भी अलग किया गया, और जो आपका पूरा का पूरा यूरोप है वो भी उससे अलग हुआ। और आपको चीज़ याद रखनी है कि दैट की जो बर्लिन वॉल है वो अपने आप में उस टाइम पीरियड पर एक ऐसा वॉल का काम कर रही है जो कि यूरोप को भी डिवाइड करेगी, और ये भी बताएगी कि इस वॉल के इस तरफ जो वेस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर USA की आइडियोलॉजी का डोमिनेंस है, और वॉल के इस तरफ जो ईस्ट बर्लिन या फिर आपका ईस्ट यूरोप वाला पार्ट है वहाँ पर USSR के डोमिनेंस का काम चलाया जाएगा। और इसी के साथ आपको याद रखना, एक बार दोबारा मैं सेंटेंस पढ़ रही हूँ, दैट बर्लिन वॉल बिल वॉज बिल्ट इन 1961
toppled by the local population in 1989. और 1989 एक ऐसा टाइम पीरियड आना शुरू हो गया कि जब बर्लिन वॉल गिरी या उसे तोड़ा गया और उसे ये पता चलने लगा कि ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी के जो लोग हैं वो मेंटली पॉलिटिकली इकोनॉमिकली किसी भी तरह से ये आइडियोलॉजिकल डिवीजन को बियर नहीं करना चाहते। या फिर चैप्टर को अगर ध्यान से अगर हम अभी समअप करने की बात करें तो हमें ये पता चल जाएगा कि ईस्ट बर्लिन के जो लोग हैं वो कैपिटलाइज्ड गवर्निंग सिस्टम से लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम से इतने ज़्यादा इंस्पायर्ड थे कि वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को और आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे एज ए पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल आइडियोलॉजी। दोबारा एक बार रिमाइंडिंग है कि सेकेंड वर्ल्ड जो वर्ड है वो USSR के लिए यूज़ किया जा रहा है और आपको पूरे चैप्टर में याद रखना है कि ये इसके लिए यूज़ किया गया है। जो पूरा चैप्टर है ना आपको कुछ फ्लो चार्ट की फॉर्म में ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। बर्लिन वॉल का गिरना, बर्लिन वॉल के गिरने के बाद USSR जो है ड्रामेटिकली धीरे धीरे करके डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो जाता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सिचुएशंस ऐसी बननी शुरू हो जाती हैं कि अब पॉसिबिलिटी दुनिया के सामने आनी शुरू होती है कि अब जो है आपका कोल्ड वॉर वाला जो पार्ट है वो ख़त्म होने वाला है और USSR किसी ना किसी तरीके से हार जाएगा। और वही होता है, USSR का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, सोवियत यूनियन वर्ड यूज़ किया गया है। सेकेंड थिंग, कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है और बायपोलैरिटी की जो सिचुएशन है वो भी एंड हो जाएगा, इसीलिए चैप्टर का नाम जो है एंड ऑफ बायपोलैरिटी रखा गया है। और इसी के साथ साथ 8 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ आप याद रखेंगे क्योंकि जो प्रॉब्लम है वो ईस्टर्न पार्ट में है जो कि ओन किया जा रहा है बाय दी USSR और दी सोवियत यूनियन, चेंज देयर कम्युनिस्ट गवर्निंग सिस्टम विद द लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम। यानी कि वो लड़ाई किस चीज़ की है, लड़ाई आइडियोलॉजी की है और आइडियोलॉजी ही चेंज कर लिया अगर लोगों ने तो इससे क्या फील होने लगा कि कम्युनिस्ट गवर्निंग सिस्टम जो है वो वीक होता जा रहा है और जो लिबरल डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम है वो स्ट्रांग बन रहा है। इसी फ्लो चार्ट को आगे लेके चलते हैं। हम अभी यहाँ पर इस सिचुएशन में थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाली पे हैं। कन्फ्यूजन कैसा कि कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ बन सकती थी और हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चन क्या हैं? सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये आता है कि क्या जो हमारे पास बायपोलैरिटी चल रही है इतने टाइम पीरियड से, क्या बायपोलैरिटी ख़त्म हो जाएगी पूरी तरीके से? हम बात कर रहे हैं 1991 में, और 1991 के बाद हमारे पास अभी तक क्या वॉर चल रही है USA और USSR की। मान लेते हैं कि USSR हार गया, क्या ऐसा नहीं हो सकता था 1991 के टाइम पीरियड में कोई नया नेशन एंट्री कर लेता और कहता कि अब मैं USA को चैलेंज करता हूँ किसी दूसरी आइडियोलॉजी के साथ? कोई भी आइडियोलॉजी हो सकती थी, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है? या तो ये सिचुएशन बन सकती थी या फिर कुछ ऐसा सिचुएशन बनती कि USA के साथ जब वर्सेस वाली वॉर चल रही है तो यहाँ पर बहुत सारी छोटी कंट्रीज़ या बड़ी कंट्रीज़ ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर एक साथ मिलकर USA के गवर्निंग सिस्टम को चैलेंज करते, ऐसा भी हो सकता था। या तीसरी सिचुएशन हमारे पास ये बन सकती थी कि बायपोलैरिटी के ख़त्म होने के बाद USA कहता कि मुझे कोई यूनिपोलर नेशन नहीं बनना या अपना डोमिनेंस नहीं दिखाना, मुझे बस किसी भी कीमत पर ये जो कोल्ड वॉर चल रही है या फिर ये जो आर्म्स रेस चलाई जा रही है मुझे इसे किसी भी कॉस्ट पर ख़त्म करना है या मैं किसी भी तरह से। तो हमारे पास जो सिचुएशन बन रही है उसे आप इस तरीके से देख सकते हैं कि तीन सिचुएशंस हमारे पास आ रही हैं। पहला, USSR डिसइंटीग्रेट करके ख़त्म हो गया है और हमारे पास ऑप्शन बन सकता है कि बहुत सारे नेशंस USA को एड्रेस कर सकते हैं, उसे चैलेंज कर सकते हैं, या USA खुद मना कर दे कि मुझे कोई यूनिपोलर नेशन नहीं बनाना। बेटा हमारे पास जो सेकंड सिचुएशन है यहाँ पर हम कहते हैं कि बहुत सारे नेशंस मिलकर USA को चैलेंज कर सकते थे, तो इसी सिचुएशन के लिए हम लोगों ने जो टर्म है मल्टीपोलैरिटी टर्म को इंट्रोड्यूस किया। और ये टर्म दोबारा आएगा, अभी मतलब हम टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं 1991 के, और 1991 के
10 से 20 सालों बाद हम लोग ये कहते हैं कि बाइपोलैरिटी ख़त्म हो गया 1991 में, उसके बाद यूनिपोलैरिटी शुरू हुआ। और जो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड है, जो कि आपकी बुक का भी नाम है, जिसके बारे में हम लोग बार बार बात करते हैं, तो चैप्टर नंबर 4 के बाद या चैप्टर नंबर 4 से पर्टिकुलरली हम लोगों को ये सिचुएशंस एक्सप्लेन करी जानी शुरू की जाएगी, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि दैट जो इंटरनेशनल इकोनॉमी है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, वह मल्टीपोलैरिटी की तरफ बढ़ना शुरू हो चुकी है। ठीक है, कैसे कि यूएसए को अब चैलेंज करने के लिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ईयू है, सार्क बहुत ज़्यादा लेवल पर तो नहीं बट कुछ लेवल तक, हमारे सिलेबस में अभी एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है ब्रिक्स करके, उसे हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा आपके पास आसियान है, ठीक है, उसकी हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे नेशंस, जैसे कि चाइना की बात की जाएगी, जापान की बात की जाएगी, नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है आपके सिलेबस में, ऐसे बहुत सारे नेशंस को हम लोग इंट्रोडक्शन में देखेंगे। बट अभी हम लोग जो पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, वो हमारा सिचुएशन चल रहा है कुछ इस तरह से। हम लोग देख रहे थे कि आपका जो एंड ऑफ कोल्ड वॉर है, एंड ऑफ बायपोलैरिटी भी हो सकता था, और वो बायपोलैरिटी हुआ, और उसके बाद बिगनिंग ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड, क्योंकि उन सभी सिचुएशंस में जो सिचुएशन बची वो ये थी कि यूएसए ने अपने आप को पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल लेवल पर डोमिनेट करने के लिए एड्रेस करा। और उसके बाद हमारा हेजमनी ऑफ यूएसए स्टार्ट होता है। इसके साथ साथ बेटा हमारा ओवरव्यू वाला जो टॉपिक है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, और अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं व्हाट वाज द सोवियत सिस्टम। बेटा हमारा जो टॉपिक है व्हाट वाज सोवियत सिस्टम, वो पर्टिकुलरली बात करता है कि 1917 में एक ग्रुप ऑफ नेशंस डेवलप होता है, ठीक है, और वो जो आइडियोलॉजी के साथ जिसका डेवलपमेंट हुआ है, जो कि कैपिटलाइजेशन के बिल्कुल अपोजिट है। कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम पर्टिकुलरली प्राइवेट इंडस्ट्रीज़ को, कंपनी के ओनर्स को, जो बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और कैपिटलाइजेशन या कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम जो है लेबर क्लास को बिल्कुल अवॉइड करता है। तो 1971 में जब एक रेवोल्यूशन होता है, रशियन रेवोल्यूशन, उसके अंडर लेनिन की हेल्प से, या लेनिन के अलावा बहुत सारे लोग उसकी हेल्प करते हैं, और एक ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर सोवियत वर्ड हमारे सामने इंट्रोड्यूस करते हैं, जहां पर वो ये कहते हैं कि लेबर्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द ओनर्स ऑफ द कंपनी, बिकॉज अगर कंपनी के अंदर लेबर्स नहीं होंगे तो आप लेबर्स के बिना काम कैसे करेंगे। और जो कैपिटलाइजेशन है वो लेबर्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर या पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं। तो हम लोग बार बार उसी चीज़ को देखते हैं कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी आइडियोलॉजी हमारे सामने यूएसएसआर रखता है, जहाँ पर वो लेबर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। यूएसएसआर 1945 में नहीं बना, हमें पहले भी पता था, और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में पढ़ा भी है कि यूएसएसआर 1917 में बना, और उसी नेम के अंडर उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फाइट किया, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा। और उसी के साथ साथ हम लोग उसे सेकेंड चैप्टर द एंड ऑफ द बायपोलैरिटी में समझने की कोशिश करेंगे कि बेसिकली सोवियत सिस्टम या यूएसएसआर है क्या पर्टिकुलरली। यूएसएसआर बेटा एक ग्रुप ऑफ नेशंस है, जहाँ पर हम 15 नेशंस की बात करते हैं, जहाँ पर सेंटर एशिया, ईस्ट एशिया, रशिया को मिलाकर ये 15 नेशंस का ग्रुप तैयार होता है। बेटा आपके लिए सेंटर एशिया, ईस्ट एशिया टर्म इम्पॉर्टेंट है, नोट्स में बार बार ये टर्म्स यूज़ किए गए हैं। और सेंटर एशिया में कौन से नेशंस आते हैं, ईस्ट यूरोपियन नेशंस कौन कौन से, उसके बारे में नोट्स में डिटेल में बताया गया है। तो प्लीज़ आप नेम ऑफ द जो नेशंस हैं जो कि यूएसएसआर की टीम का मेंबर हैं, उनका प्लीज़ आप अच्छे से याद करें ना, क्योंकि आपको आंसर्स लिखते हुए उन नेशंस के नेम को बार बार लिखना पड़ेगा। आपको ध्यान से देख लीजिए, ये यूएसएसआर का बनाया, मतलब यूएसएसआर जब कोल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया या जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट किया, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से, यानी कि अगर आप वर्ल्ड मैप में देखते हो तो एक बहुत बड़ा एरिया वो कवर कर रहा है, और उसके अंदर उसके पास ये 15 नेशंस का पूरा टीम है। इसी में सेंटर एशिया के नेशंस हैं, इसी में ईस्टर्न यूरोप के नेशंस हैं, और इसी में रशिया है। रशिया की जब हम लोग बात करते हैं तो रशिया हमेशा से या शुरुआत से ही यूएसएसआर की सेंट्रल गवर्नमेंट की तरह काम किया है, या जो मेजर डिसीजन मेकर जो रहा वो रशिया रहा।
हम लोग जब बेटा हम लोग जब टॉपिक को बहुत ध्यान से देखते हैं तो हमें फर्स्ट पॉइंट जरा एक बार पढ़ते हैं। यूएसएसआर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, बेटा यहाँ पर जो सोवियत वर्ड यूज किया गया है वो लेबर्स के लिए यूज किया गया है, जिनकी इम्पोर्टेंस को दिखाते हुए यूएसएसआर नाम से एक ग्रुप ऑफ नेशंस को सेटअप किया गया। तो यूएसएसआर विच वॉज द यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इट केम इन टू बींग इन 1917। इट सपोर्टेड लेबर्स एज द इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम जो है बार बार इंडस्ट्रीज को प्राइवेट ओनर्स को इम्पोर्टेंस दे रहा था, और सोवियत एक ऐसा इंस्टीट्यूशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ नेशंस हमारे सामने है जिसने लेबर्स की इम्पोर्टेंस की बात की इकोनॉमी के लिए, जो कि बिल्कुल अपोजिट है। याद रखेंगे, आइडियोलॉजी पर ध्यान दीजिए प्लीज आप। यूएसए इंडस्ट्रीज के ओनर्स को इम्पोर्टेंस दे रहा है, कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम को इम्पोर्टेंस दे रहा है, और यूएसएसआर जो है शुरुआत से ही आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल अपोजिट लेबर्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा है इकोनॉमी को चलाने के लिए। दे फॉलो द आइडिया ऑफ सोशलिज्म। सोशलिज्म का मतलब क्या है कि आप सोशल वेलफेयर वर्क करेगा गवर्नमेंट आपका, गवर्नमेंट जो है हमेशा प्रॉपर्टी को लेकर या डेवलपमेंट को लेकर इक्वालिटी को इम्पोर्टेंस देगा। एंड अपोज द आइडिया ऑफ द कैपिटलिज्म। सोशलिज्म आया ही उस एस्पेक्ट में है कि कैपिटलिस्ट गवर्निंग सिस्टम का क्रिटिक है, उसको अपोज करता है, उसे निगलेक्ट करता है पूरी तरीके से। दे ऑल्सो सपोर्टेड द नीड ऑफ द एग्लिटेरियन सोसाइटी, बट एग्लिटेरियन सोसाइटी का मतलब है एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर इक्वालिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और यूएसएसआर या सोवियत रिपब्लिक जो है, फिर सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक जो एक यूनियन है हमारे पास, ये एग्लिटेरियन सोसाइटी को या इक्वालिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है। द यूएस सेकेंड पॉइंट, द USSR was formed to abolish private property and to design a society based on the principles of equality. Please आप ना terms पर ध्यान रखना, क्योंकि examiner आपसे questions पूछता है 6 marks में specially कि USSR का system था कैसा, Soviet system किस तरीके से काम करता था, और सबसे पहले आपको वो समझना ज़रूरी है कि यूएसएसआर या सोवियत सिस्टम काम कैसे करता था, तभी आप उसके बाद के सिचुएशन को समझ पाओगे कि पहले कैसा था अब कैसा है। जब तक आपको उसका पास नहीं पता होगा तब तक आप उसके प्रेजेंट में ना किए जाने वाले कामों को नहीं समझ पाएंगे। तो सेकंड पॉइंट आपको ये कहता है कि वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने के लिए सेटअप हुआ, और उसने एक ऐसी सोसाइटी बनाने की कोशिश की जहाँ पर इक्वालिटी ज़्यादा ज़रूरी है। अब याद रखना बेटा, कम्युनिस्ट गवर्निंग सिस्टम है, प्रेजेंट टाइम पीरियड पे आप चाइना को भी देखते हैं कि वो एक वन ऑफ द कम्युनिस्ट नेशन है। तो यूएसएसआर और द सोवियत सिस्टम, दे सपोर्टेड द गवर्नमेंट वेयर ओनली वन पार्टी सिस्टम वाज एस्टैब्लिश, ओनली वन पॉलिटिकल पार्टी जो कि काम करती है सारा का सारा, और उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या है, कम्युनिस्ट पॉलिटिकल पार्टी। फोर्थ पॉइंट बेटा हमें फिर से वही बताता है, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वाज द सेंटर पार्टी ओवर देयर, और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी न्यू नहीं बन सकती थी क्योंकि वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और अगर कोई भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन काम करना चाहता है तो उसे कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर रहकर ही काम करना होता था। दे इकॉनमी वॉज, मतलब उनका जो इकॉनमी है वो पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड है, और by and planned by the government only, यानी कि it is totally controlled and planned by the government, private ownership का कोई involvement नहीं है, सरकार ही सब कुछ है, वही सर्वोपरि है, वही सर्व करता है और वही सारा काम संभालेगी, कोई और उसके अलावा involvement individual का, administration के बाहर का कोई भी person अपना involvement नहीं देगा, in short। Sixth point, USSR dominated East European countries आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हम लोगों ने देखा फर्स्ट चैप्टर में, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर नेशंस ऑफ द ईस्ट यूरोपियन रीजन वर फोर्स टू फॉलो दी पॉलिसीज ऑफ द यूएसएसआर। याद रखेंगे, ऑब्वियसली कोई जबरद कोई प्यार से आएगा और आपको बोलेगा कि हमारी गवर्नमेंट आपके अकॉर्डिंग चलेगी और वो मान जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो प्रेशर बनाया गया होगा, और वही प्रेशर के चलते ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज ने या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनका बहुत ज़्यादा साथ देना शुरू किया। वॉर्सा पैक्ट नाम से एग्रीमेंट हुआ जहाँ पर ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को पॉलिटिकली या लीगली बाइंड कर दिया गया। बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड, ईस्टर्न जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, यूगोस्लाविया, ये सारे वो नेशंस हैं जो कि ईस्ट यूरोपियन नेशंस हैं जिन्होंने
यूएसएसआर का कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर साथ दिया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपनी, जब हम लोग प्रीवियस चैप्टर पेज पर एक बार देखते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने यहाँ पर आपको कहा था कि 8 ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं जिन्होंने अपने आप को कैपिटलिस्ट से लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम में चेंज किया। उन कंट्रीज के नेम्स हैं जो कि पर्टिकुलरली यूएसएसआर के साथ रहे ईस्टर्न यूरोप से। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट, नेशंस विद यूएसएसआर ऑल्सो नोन एज द सोशलिस्ट ब्लॉक। अगेन बेटा स्पेलिंग ध्यान रखेंगे ब्लॉक का, ठीक है, सोशलिस्ट ब्लॉक का पार्ट रहे एंड उनको वॉर्सा पैक्ट के अंदर बाउंड कर दिया गया ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज को, ताकि वो एक साथ रह सके और फ्यूचर में कभी भी, जब तक कोल्ड वॉर खत्म नहीं होता, मान लेते हैं कि सिर्फ कोल्ड वॉर तक के लिए बनाया गया था, ताकि वो फ्यूचर में कभी भी यूएसए के साथ जाके कोई एग्रीमेंट साइन ना कर लें। तो यूएसएसआर वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत ब्लॉक, या फिर रशिया उसका सेंट्रल गवर्नमेंट रहा और यूएसएसआर ने पूरा गवर्नमेंट को संभाल के चलाया। पॉइंट 9, द सोशलिस्ट इकोनमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएसए। आप ये चीज याद रखेंगे बेटा कि सेकेंड पावरफुल वर्ल्ड है, तो यानी कि वहां पर अगर हम डिटेल में देखते हैं इस चीज को, आपके नोट्स में जो पॉइंट 9 है वो आपको ये बताने की कोशिश करता है कि यूएसए और यूएसएसआर में इकोनॉमी के टर्म्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर मैं यूएसएसआर की बात करती हूँ और यूएसए की बात करती हूँ, तो दोनों की इकोनॉमी जमीन आसमान का अंतर नहीं है, सिर्फ आइडियोलॉजी अंतर है, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट। तो ये दोनों ही अपने अपने लेवल पर अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डेवलप करके रखते हैं। मैं शुरुआती दौर की बात करूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ है और अभी कोल्ड वॉर ख़त्म होने की सिचुएशन नहीं आई, क्योंकि कोल्ड वॉर तो 1991 में जाके ख़त्म हुआ, और लंबे समय तक यूएसएसआर ने अपने आप को या एज अ गवर्निंग सिस्टम इतना ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया है कि वो दुनिया में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी में काउंट होती है। अगर मैं यूएसए से कंपेयर नहीं करते हैं तो, बुक में भी आपको ऐसे लिखा गया है कि दुनिया में सभी देशों से कंपेयर किया जाए तो यूएसएसआर टॉप पर था, बट जब यूएसए से उसे कंपेयर किया जाता है तो वो सेकेंड नंबर पर आता है, उसके ऊपर यूएसए है। तो दोनों में 19-20 का अंतर है, या ज़्यादा अंतर नहीं है, 20 वाली पोजीशन पे यूएसए है और 19 वाली पोजीशन पर आपका यूएसएसआर है। यूएसएसआर अपना कम्युनिकेशन सिस्टम, वहाँ पर अगर मैं रिसोर्सेज की बात करती हूँ या प्रोडक्शन की बात की जाती है, सारी की सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट कंट्रोल करके रख रही है, पर गवर्नमेंट का कंट्रोलेंस इतना ज़्यादा अच्छा है कि कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम जैसी चीज़ है ही नहीं। इसके अलावा जब बात की जाती है तो वहाँ पर इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन सिस्टम था, जिसको आप, जैसे कि इंडिया तो बहुत छोटा नेशन है, ठीक है, वहाँ पर भी हमें कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, बट जब हम यूएसएसआर की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इतना वास्ट नेटवर्क है जो कि 15 यूएसएसआर के रिपब्लिक नेशंस के साथ मिलने के बावजूद भी कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेट फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, आपके पास मेटालिक रोड्स हैं काम करने के लिए, इसके अलावा आपके पास ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, गवर्नमेंट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पिन से लेके एरोप्लेन तक सब बना सकती हैं। इसके अलावा अगर आप ध्यान देखते हैं तो आपके, यू आर रिच इन रिसोर्सेज, क्योंकि आपके पास इतना बड़ा लैंड है, वहाँ पर ऑयल्स, मिनरल्स, आयरन, स्टील, हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, आपको किसी भी चीज़ के लिए बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है, और काम इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से किया जा रहा है, इतनी एफिशिएंसी से किया जा रहा है कि ज़ीरो अनएम्प्लॉयमेंट वॉज देयर। तो इससे हमें ये पता चलता है कि बिगनिंग से लेकर एंड तक, मतलब एंड में आगे सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ा, बट बिगनिंग में सिचुएशन वॉज सो एफिशिएंट, या इतना ज़्यादा स्ट्रांग रहा कि यूएसएसआर को लोगों ने इंस्पायर भी हुए लोग उससे, और लोगों ने विलिंगली यूएसएसआर के आइडियोलॉजी को फॉलो करने का भी एक इनिशिएटिव लिया। तरफ चलते हैं दोबारा से। पॉइंट 9, द सोवियत इकोनॉमी वॉज देन मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट फॉर द यूएस, यानी कि यूएसए को छोड़ के बाकी नेशन से कंपेयर करें तो डेवलप्ड थी। पॉइंट 9, देयर वॉज कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन नेटवर्क, वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज इंक्लूडिंग ऑयल, आयरन, स्टील, मशीनरी प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग वॉज देयर, एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर दैट कनेक्ट विद रिमोटेस्ट एरिया विद एफिशिएंसी। कोई प्रॉब्लम नहीं है ट्रांसपोर्टेशन के सिचुएशन को भी देखते हुए। पॉइंट 11 को देखते हैं।
industries of the USSR can produce from pins to cars through their quality did not match with the western capitalist countries. यानी कि production हर चीज का हो रहा है, जैसे कि आपको पहले बताया गया कि अमेरिका में या अमेरिका के प्रोडक्शन में और यूएसएसआर के प्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस था, क्वालिटी डिफरेंस था, बट स्टिल फिर भी डोमेस्टिक लेवल पर हर एक चीज़ के प्रोडक्शन करने के लिए रिसोर्सेज या सोर्सेज उनके पास थे. पॉइंट 12, गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटीज़ लाइक हेल्थ, एजुकेशन, चाइल्ड केयर, वेलफेयर स्कीम्स. और अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, गवर्नमेंट हर छोटी छोटी चीज़ का लोगों का ध्यान रख रही है. पॉइंट 13, देयर वॉज नो अनएम्प्लॉयमेंट. 14 पॉइंट, लैंड एंड प्रोडक्टिव एसेट्स वर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. हर एक छोटी छोटी चीज़ के ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है, आप ये याद रखें. किसी भी तरीके से कोई भी रिसोर्स के ऊपर कोई इंडिविजुअल ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रॉपर्टी है, कोई कंपनी खड़ा नहीं कर सकता, वो ये नहीं कह सकता कि ये काम मैं कर लेता हूँ, सरकार आप दूसरा काम कर लो. नो. ओके बेटा, अब तक जो हम लोगों ने पॉइंट्स देखे हैं, अब तक जो हम लोग पॉइंट्स देखते हैं उससे हमें ये पता चलता है कि यूएसएसआर तो बहुत स्ट्रांग इकोनॉमी है, स्ट्रांग पॉलिटिकल सिस्टम है, बहुत अच्छी गवर्नमेंट है, जहाँ पर लोग सोशल वेलफेयर वर्क भी हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट भी नहीं प्रॉब्लम जैसी कोई चीज़ है, पॉवर्टी जैसी कोई चीज़ नहीं है, ठीक है, रिमोटेस्ट एरिया तक आप सारी फैसिलिटीज़ पहुँचा रहे हैं. तो फ्यूचर में ऐसा क्या होता है कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बदल गई, या आफ्टर सम टाइम व्हाट द सिचुएशन, या ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो यूएसएसआर को फेस करनी पड़ी, या फिर यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले जो नेशंस हैं उनको फेस करनी पड़ी, या फिर वहाँ पर जो लोकल पॉपुलेशन है वो फेस कर रही है. आप एक चीज़ याद रखिए ध्यान से कि आपकी जो इकॉनमी है उसका जितना भी प्रॉफिट आपको मिलता है गवर्नमेंट उसे अलग अलग सेक्टर पर इन्वेस्ट करती है या फिर उसमें काम करती है. जैसे कि एजुकेशन पे खर्च हुआ या बाकी कुछ सब्सिडीज देनी है वहाँ पर खर्च किया गया है, आप लोगों को चाइल्ड हेल्थ केयर पर लगा रहे हो, आप हेल्थ बेनिफिट्स दे रहे हैं, इसके अलावा एक्स वाई जेड गवर्नमेंट काम करती रहती है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, प्राइमरी इंडस्ट्री, ट्रेजरी सेक्टर, इन सब जगहों पर गवर्नमेंट काम करती है, ठीक है. बट सिचुएशन कुछ ऐसी है, हम लोगों ने आर्म्स रेस वर्ड पढ़ा है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूएसएसआर या यूएसए कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर एक ऐसी रेस में इन्वॉल्व हो गए जहाँ पर नेशंस के बीच में या आपस में एक आर्म्स को नंबर्स को इंक्रीज करने की एक रेस चल रही है. आप हथियारों का यूज़ करेंगे नहीं करेंगे ये आपको नहीं पता फ्यूचर में, बट आपको आर्म्स का नंबर इंक्रीज करना है किसी भी कॉस्ट पे. अब ऑब्वियसली बात है, जब आपकी इकोनॉमी का प्रॉफिट या इकोनॉमी में जितना भी प्रॉफिट आपका हो रहा है उसका एक लार्ज अमाउंट उठाकर आप मिलिट्री पर खर्च करोगे, आर्म्स को खरीदने, बनाने, न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में और छोटे मोटे बम्स बनाने में खर्च करोगे, तो ऑब्वियसली आप बाकी एक्सपेंडिचर से खर्चा कम करना शुरू कर दोगे. आपने एजुकेशन पे पहले खर्चा किया वो निकाल के आपने मिलिट्री पे लगा दिया, हेल्थ केयर पे हटाया वो आपने वहां लगा दिया, चाइल्ड वेलफेयर वर्क, वुमेन वेलफेयर वर्क, सारे के सारे आपने धीरे धीरे करके कम करने शुरू कर दिए हैं. सब्सिडीज जो आप पुअर्स को दे रहे हो या जो वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं उन्हें आप दे रहे हो, ये सारी चीज़ें वहाँ पर धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ने अपना हाथ खींचना शुरू कर दिया, विच मीन्स टू से गवर्नमेंट अब उस तरीके से सोशल वेलफेयर वर्क नहीं कर रही थी जिस तरीके से उसने शुरुआत में 1945 के टाइम पीरियड पर या फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड पर, तो 1917 से चल रहा है ऑर्गेनाइज या जो यूनियन है. अब धीरे धीरे करके गवर्नमेंट ये सारा काम कम कर रही है, ज़्यादातर पैसा मिलिट्री पे खर्च हो रहा है, आप सोल्जर्स को ज़्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट के ये सारे काम कम हो गए. अब जब गवर्नमेंट आपके वेलफेयर के लिए काम नहीं करेगी तो ऐसी कौन सी पॉपुलेशन है जो कि गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगी. अब आप एक चीज़ याद रखिए, कम्युनिकेशन सिस्टम वॉज वेरी गुड और वेरी एफिशिएंट, और जब न्यूज़पेपर्स, मीडिया या बाकी नेटवर्क्स की हेल्प से लोगों के पास इंफॉर्मेशन जा रही है कि हमारा नेशन इकोनॉमिकल लेवल पर जितना भी बेनिफिट है, जितना भी प्रॉफिट है वो मिलिट्री पर खर्च कर रहा है, गवर्नमेंट अब हेल्थ फैसिलिटीज़ कम कर रही है, चाइल्ड केयर वर्क कम किए जा रहे हैं, एजुकेशन पर इन्वॉल्वमेंट कम है, सब्सिडीज़ कम की जा रही हैं, और उसी के बिल्कुल दूसरे तरफ पड़ोस में एक देश है जिसको आप यूएसए या फिर कैपिटलिस्ट या लिबरल डेमोक्रेसी की तरह आइडेंटिफाई कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पर इकोनॉमी भी बढ़ रही है, गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक तरीके से काम भी करती है, इक्वालिटी भी मिलती है, और बाकी प्राइवेट लोग भी अपनी इंडस्ट्री चला रहे हैं, बेनिफिट मिल रहा है उनको, और वहाँ पर ऐसा कोई इकोनॉमी के स्टेगनेंट वाली पोजिशन आई नहीं है.
तो इन्हीं सब चीज़ों या डिफरेंसेस को देखते हुए धीरे धीरे करके ग्रुप ऑफ नेशंस ने या पॉपुलेशन ने रशिया के अगेंस्ट, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, या यूएसएसआर के गवर्नमेंट के अगेंस्ट वॉइस रेज करना स्टार्ट कर दिया। और इसी के वजह से हमारे पास जो सिचुएशन है, जो हम फर्स्ट 14 पॉइंट्स में सिचुएशन देखते रहे यूएसएसआर की, वो सिचुएशन 14 पॉइंट्स के बाद जो है बदलनी शुरू हो जाती है। वो कैसे बदल रही है हम आगे वाले पॉइंट्स में देखेंगे। 3 पॉइंट देख रहे हैं, यूएसएसआर बिकेम वेरी ब्यूरोक्रेटिक एंड अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट फॉर सिटीजन्स एंड फॉर द मेंबर नेशंस। यानी कि यूएसएसआर जो है अपनी पावर को कंट्रोल करना चाह रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि उसको लगने लगा है कि लोग मुझे छोड़ के चले जाएंगे, नेशंस मुझे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मैं उनको डेवलपमेंट के नाम पे बहुत कम चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसने बहुत ज़्यादा अथॉरिटी से काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके सारी डिसीजन मेकिंग पावर जो है रशिया ने अपने अंडर कर ली, और वो अथॉरिटेरियन या एक ब्यूरोक्रेटिक गवर्निंग सिस्टम या एक नेशन की तरह सामने डेवलप हुआ। ठीक है, देयर वॉज अ लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड पीपल वर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस देयर विल। आपको याद होगा कि वन पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम है, और ऑब्वियसली एक ही पार्टी है, आप उसके अगेंस्ट नहीं बोल पाएंगे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी आप बना नहीं सकते। और इक्वालिटी की जो बात शुरुआत में की गई थी सोशलिस्ट गवर्निंग सिस्टम के नाम पे, वो सब चीज़ें धीरे धीरे करके मतलब कहीं ना कहीं वो हिल चुकी हैं, या फिर अब आप ये चीज़ देखें कि वो सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता। 17 पॉइंट में, यूएसएसआर गवर्नमेंट वॉज नो मोर अकाउंटेबल टू दी पीपल। यानी कि पहले आप अगर गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही है, आप जाके उनसे सवाल पूछिए, गवर्नमेंट आपको सवालों के जवाब देगी, और वो गवर्नमेंट आपके सोशल वेलफेयर वर्क करती रही, क्योंकि वो सोशलिस्ट है। पर अब उसकी अकाउंटेबिलिटी या फिर जो जवाब देने का जो एक सिचुएशन है वो खत्म करें, ताकि लोग ना तो उसके पास आए, ना उसे सवाल पूछे, ना उनको कोई जवाब देना पड़े। एंड ऑल द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वर कंट्रोल्ड बाय वन पार्टी गवर्नमेंट विच वाज द कम्युनिस्ट पार्टी। नेक्स्ट पॉइंट 18, ऑल द 15 मेंबर्स ऑफ द यूएसएसआर वर फेसिंग मेनी प्रॉब्लम्स। रशिया वॉज द डोमिनेटिंग नेशन। अब रशिया डोमिनेट कर रहा है, अब बाकी जो 14 नेशंस हैं वो तो ये सोचेंगे भाई ये तो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है, हम इसके अकॉर्डिंगली काम क्यों करें। एंड वर्कड एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द यूएसएसआर फॉर द अदर मेंबर्स। हम देखते हैं कि बाकी रशिया के अलावा जितने भी 14 नेशंस हैं बहुत निगलेक्टेड फील करते हैं, सप्रेस्ड फील कर रहे हैं बाय रशिया। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग आर्म रेस यूएसएसआर स्पेंड लार्ज अमाउंट ऑफ इट्स प्रॉफिट ओवर मिलिट्री सो दैट इट कैन मैच द सिचुएशन और द मिलिट्रिकल पावर ऑफ द यूएसए ऑब्वियसली। बट इन रियालिटी यूएसएसआर वॉज वेरी मच लेफ्ट बिहाइंड द वेस्ट इन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिकल नीड्स ऑफ द पीपल। अब हम जानते ही हैं कि हम भले ही उसको दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर नेशन में से काउंट कर रहे थे इकोनॉमिकली पॉलिटिकली, पर फिर भी वो यूएसए के कंपेयर में तो उतना क्वालिटी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि वो यूएसए उसके ऊपर है, या फिर ये देखा जाए कि यूएसए जो है वो उससे ज़्यादा पावरफुल है टेक्नोलॉजी के बेसिस पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पर, पॉलिटिकली जो एक सिचुएशन है, जो इकोनॉमिकल सिचुएशन उसने बना रखी है वो वहाँ पर नहीं हो रही। द सिचुएशन वॉज वेरी क्रिटिकल ड्यूरिंग अफगानिस्तान इन्वेशन इन 1979। बेटा ये टॉपिक है, जो लाइन है ये हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हुआ है कि अफगानिस्तान को एक्वायर करने के लिए यूएस और यूएसएसआर दोनों ने कोशिश की। यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को अपनी अलायंस का पार्ट बनाने के लिए, मतलब ये कह लो कि अपनी इकोनॉमी का बहुत ज़्यादा पैसा उसमें लगा दिया, सोल्जर्स को पूरी तरीके से तैयार किया, बट फिर भी वो यूएसएसआर की टीम का मेंबर नहीं बना। और उसी के चलते जो आर्म्स रेस है या जो अमाउंट ऑफ द इकोनॉमी है वो ज़्यादातर वहाँ पर खर्च हो गया। और यही वो टाइम पीरियड है 79 का, जब धीरे धीरे करके नेशंस का या मेंबर नेशंस का यूएसएसआर में से फेथ खत्म होना शुरू हो गया। ड्यू टू दिस यूएसएसआर फेस्ड शॉर्टेज ऑफ द फूड एंड कंज्यूमर गुड्स। आप ये याद रखिए कि एग्रीकल्चर के लिए भी लैंड बहुत ज़्यादा था उनके पास लैंड इतना ज़्यादा यूएसएसआर के लिए कि लोग रह भी सकते, क्योंकि पॉपुलेशन भी नॉर्मल है, कोई बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन नहीं है, इंडस्ट्रीज खड़ा कर सकते हैं क्योंकि गवर्नमेंट सारा चला रही, सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के, वो आराम से काम कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बहुत ही रही क्योंकि रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं उनके पास, एंड दे कैन डेवलप एंड दे कैन ग्रो क्रॉप्स। बट एक टाइम पीरियड यूएसएसआर में ऐसा आता है कि गवर्नमेंट फूड प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दे रही है, गवर्नमेंट को सिर्फ क्या लग रहा है कि वो आर्म्स रेस में कैसे ना कैसे करके जीत जाए या मिलिट्री को अमेरिका के कंपेयर में स्ट्रांग बनाए। तो कंज्यूमर गुड्स की शॉर्टेज होने लगी,
या फूड सिक्योरिटी के इश्यूज आने लगे, गवर्नमेंट ने अपनी अब क्या कर रही है, वो खाना इंपोर्ट कर रही है, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों पर भी गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया, उसके ऊपर भी बाहर से खाना मंगाया जा रहा है, उस पर भी एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया जाएगा। ड्यूरिंग कोल्ड वॉर USSR का जो इकोनॉमी है बिकेम स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब होता है नो प्रॉफिट नो लॉस वाला सिचुएशन है। अगर मैंने 2 रुपये कमाए, 2 रुपये अगर इंडस्ट्री में लगाए हैं तो मुझे 2 रुपये ही मिल रहे हैं, वो 2 रुपये जो मैंने कमाए वो मैं कंपनी को चलाने में लगाऊं, वहां पर लोग जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी दूं या बाकी काम करूं, तो वो तो बिल्कुल लॉस वाला सिचुएशन है। और 1970s के बाद आते आते इकॉनमी बिल्कुल स्टेगनेंट है, नो प्रॉफिट नो लॉस का सिचुएशन चल रहा है, धीरे धीरे करके वो स्टेगनेंट पोजीशन से भी वीक होता चला गया। और बाद के टॉपिक्स में हम देखते हैं कि हम एक तरफ कहते हैं कि वहाँ की इकॉनमी स्टेगनेंट हो गई है, और बाद में हमें लगता है कि इकॉनमी के साथ साथ जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, वो भी धीरे धीरे करके स्टेगनेंट होता शुरू हो गया है। बेटा इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, और टॉपिक का नाम है गॉर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन। अब गॉर्बाचेव कौन है, कैसे उसका इन्वॉल्वमेंट है, या वो किस तरीके से काम करते हैं एज ए लीडर, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच।